नमस्कार दोस्तों, और चलिए झटपट रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने तो बहुत तरह की मछली बनाई होगी, तो मैं होली स्पेशल में आपको एकदम यूनिक टाइप की चने की दाल की मछली बनाने के लिए बता रही हूँ, जो काफी यम्मी, क्रिस्पी और टेस्टी रहता है। तो सो फ्रेंड्स, आप चलिए मेरे साथ और देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ क्रिस्पी चने की दाल की मछली। तो चलिए बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। तो मैंने ये हाफ के जी के लगभग में ये आटा, गेहूं के आटा है, वो आटा मैंने ले लिया है। और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स ये है चने की दाल। तो चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो करके रख दिया था, और अब ये अच्छे से फूल गई हैं, तो देखिए टूट जा रहा। तो अब मैं ये आटे में, ये एक कटोरी से थोड़ा थोड़ी सी कम है ये चने की दाल, इसे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी इसमें। और काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। थोड़ी सी ये लाल मिर्ची, नमक आप स्वाद के अनुसार, नमक आपको थोड़ी सी, इसमें हल्की ही नमक रहती है तो ज़्यादा चटपटी लगती है। ये नमक हो गया, ये अजवाइन, थोड़ा सा ये हाफ टी स्पून के बराबर में ये आमचूर पाउडर। और ये बहुत ही खास्ता मठरी बनती है। आप इसे एयर टाइट डिब्बे में अगर रख दीजिए तो ये आराम से 1 महीने तक आराम से ये चल जाती है। अब इसमें ये कस्तूरी मेथी को हाथ से, और इसकी जो ये खुशबू जो होती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू, इसमें 2 चम्मच के अनुसार ये हम कस्तूरी मेथी डाल दी। और अब इसमें हमें खास्ता बनानी है तो हमें मोइन के उसी अनुसार डालना होगा कि ताकि वो थोड़ा सा खास्ता हो जाए। तो इसमें मैंने ये रिफाइंड डाली है, और इसमें खाने वाला सोडा या कुछ भी हमें नहीं मिलाना है। तो अब सबसे अच्छे सबको मिक्स करके, और इसे हम पहले चारों तरफ से बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके जैसे हम पूड़ी का आटा या कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं, तो हम वैसे ही और इसमें आटा लगाएंगे। एकदम टाइट आटा हमें लगाना है ताकि हमें इसे बेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो मठरी को। तो थोड़ी सी और रिफाइन, क्योंकि ये भी बंद नहीं रही है, क्योंकि रिफाइन अगर आपको अच्छे से डालना है, रिफाइन अगर अच्छे से रहेगी तो वो खास्ता अच्छे से होगी, और नहीं तो फिर वो थोड़ी सी कम खास्ता में अच्छी नहीं लगती है। तो अब ये अच्छे से हो गया है। अब इसे जैसे आटा गूंथते हैं हम लोग, वैसे इसे गूंथेंगे। देखिए इस तरह से एकदम इसे चारों तरफ से हल्के से पानी के हल्के छींटे डाल के, और इसे जैसे हम पूड़ी का आटा सानते हैं वैसे इसे टाइट आटा छान करके, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब आटा को मैंने इस तरह इतना सख्त, देखिए जैसे हम कचौड़ी का आटा लगाते हैं वैसे ही आटा को लगाती, और इस तरह के बड़े बड़े पेड़े बना के। और अब ये प्लेटफॉर्म पे ही, क्योंकि हमें बड़ा लगाना है तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा रिफाइंड लगा के, और अब इसको बेलना है। अब इसे मैं, आप जितनी मतलब बड़ी बना सकते हैं, तो अब मैं पहले से Thank you.
इसको पतली भी नहीं बनानी है, मीडियम में, न मोटी न पतली, क्योंकि ज़्यादा मोटे रहने पे वो उतनी खासता नहीं होती है। अब ये देखिए इतनी मोटी, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब एक चाकू से इसे इस तरह चारों तरफ से इसमें कट लगा देंगे। और इधर मैंने तेल गरम करने के लिए कढ़ाई रख दिया है। अब ये कट करके और ये छोटी सी ग्लास से इसे इस तरह ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाने से क्या होता है कि एक बार में ढेर सारी मछली हम कट कर लेते हैं। अब इसे किनारे वाले को निकाल देंगे। अब तेल को देख लो पहले कि तेल गर्म है कि नहीं। तेल गर्म है तो आँच ना ज़्यादा तेज रहेगा और ना कम, मीडियम पे करके अब इसे डालते जाएंगे। ये अपने ऊपर आ जाएगा तो इसे हम फिर पलट देंगे। पहले से सबको डाल दें। और ये अभी ये सारे को मैं फिर इसमें डाल देती हूँ मिक्स करने के लिए। और फिर ये दूसरी वाली जब तक वो तल रही है तब तक इसमें थोड़ी सी रिफाइंड लगा के और इसको जितना बड़ा आप बेल सकते हैं और आँच एकदम मीडियम पे ही रखेंगे, ना ज़्यादा तेज, क्योंकि खूब तेज़ अगर आँच कर देंगे तो वो जो लाल तो हो जाएगी लेकिन वो कुरकुरी नहीं होती, तो इसलिए मीडियम आँच पे ही से लाल करेंगे। तब तक उधर ये लाल हो रही तब तक मैंने एक और बेल लिया है। अब मैं इसे कटोरी से कट करते जाऊंगी। कट करने से क्या होगा कि वो फूलेगी नहीं, वो पूरी की तरह फूलेगी नहीं, और कट करने से खास्ता भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए अब ये लाल हो गया, हल्का गोल्डन लाल ही करना है। और ये लीजिए अब तैयार है क्रिस्पी मछली चने की दाल वाली, जो बहुत ही टेस्टी और निकाल लेंगे इसे। तो लीजिए तैयार है क्रिस्पी चने दाल की मछली, बनाइए खाइए और खिलाइए। अभी तैयार हो गई हमारी मछली और इसे थोड़े से ठंडे, जब ठंडा हो जाए अच्छे से तभी आप हम इसे एयरटाइट डब्बे में पैक करेंगे, ताकि एयरटाइट डब्बे में रहने से ये बहुत दिनों तक आराम से खासता रहती है। तो ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर। देखिए कितनी ही बहुत क्रिस्पी है, इसको ऐसे ही हाथ से तोड़िए फट से ही टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स बनाइए, आप भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये मछली चने दाल की मछली कैसी लगी आपको। ओके बाय।